क्या है? ये तो किसी का लव लेटर लग रहा है। जिंदगी में पहली बार प्रेम पत्र लिख रहे हैं। आप ये लीजिए और बतराम कर दीजिए, आइए। हम भी उनका अपने दिल की बात तब बताएंगे जब अपनी नसबंदी पलटने का ऑपरेशन हो जाए। इन दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। खाओ ना गुल्लू की थाली में। अरे ऐसे कहाँ देख रहे हो? हाँ, कितनी बार हम तुम दोनों को एक ही प्याले में चाय की चुस्कियाँ भरते हुए देखे हैं। संती जी, ये दुई हंसों के जोड़े की ना शिकायत लेकर आए हम आपके पास। आपको पता है दिन ब दिन बदमाश होते जा रहे हैं। जब रात को पूरा घर सोया होता है ना, इनके कमरे से कैसे खी 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 की आवाज आती है। बस पेट भर गया, मैं हाथ धोकर आता हूँ। मीठे के लिए जगह छोड़े हो कि नहीं? हम बनारस से मलाई मंगाए हैं। हे भगवान, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रहने भी लगे हैं। तभी इस कमीने की नियत खराब हो गई है। लेकिन कभी मेरी ईरा का भी दिल इस गवार पर आ गया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। ओ माड़ी, अरे ये छेला पगथिया दिखाई नहीं मुझे, गिर गया। लगता है पैर की घंटी टूट गई है। घंटी तो बजी नहीं, पैर में मोच आ गई है। अभी पता नहीं ऐसी हालत में मैं अपने घर कैसे जाऊंगा। बल्कि हम आपको जाने भी नहीं देंगे, ये जब तक ठीक नहीं हो जाता आप यहाँ रहिए। गुल्लू बिल्कुल सही कह रहा है। अब आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है, मैं रुक जाता हूँ यहीं पर। अखिलेश बेटा, ले चलो मुझे अपने कमरे में। हम चले चले जाते हैं। आइए उठिए, उठाएं दो, संभाल के। आराम से बोलो चाचा, संभाल के। ये गदेला तो बहुत नरम नरम है। पुष्पा बहन, मैं काम करता हूँ, जितने दिन भी मैं ये घर में रहूंगा ना, मैं इसी पलंग पे सोऊंगा। हाँ प्लीज, अपना ही घर समझ के रहिए, कौन चिंता की बात नहीं है। पापा, कोई सूजन तो नहीं है? रेक्चर तो नहीं हो गया दीका? नहीं नहीं, तू रहने दे, तुझे समझ में नहीं आएगा, तू डॉक्टर थोड़ी है। जा, तू आराम कर। हो ए बेटिया, चिंता करने की कौन जरूरत नहीं है। मुरली मनोहर की कृपा से कल सुबह ही सूजन उतर जाएगी। आज रात के लिए तुम हमारे साथ ही सो जाना हमारे कमरे में। ऐसे ही रखना, दादा ज्यादा हिलाना नहीं, वो ठीक रहेगा। चले, आप आराम कीजिए। हाँ हाँ, चलो बेटो। आज रात के लिए तो मैंने इन दोनों को अलग कर दिया, और बहुत जल्द मैं इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। अरे ये क्या कर रहा है तू? निकल निकल, इसको निकल निकल। अरे तू रहने दे भाई, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। हाँ तू आराम कर। इसे लगता है कि ये मुझे मस्का मारेगा तो मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दूंगा। ये लीजिए चाचा, आप अपने कपड़े बदल दीजिए, हम अब आते हैं। हाँ।
ईरा जी का चेहरा देखे बिना तो हमका बिल्कुल नींद नहीं आएगी। मैं ऐसे ही सोता हूँ, जब तक बाजू वाले के पैर पे पैर नहीं रखू ने तो मुझे नींद ही नहीं आती है। हिलना मत हो, अब नहीं तो मेरी नींद टूट जाएगी। हम समझ सकते हैं बल्लभ चाचा, आप आराम कीजिए, हम अपने शरीर को स्थिर रखेंगे। हाँ। क्या बात है बल्लभ चाचा, आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत दर्द हो रहा है का? हमारे पास एक उपाय है, हम अवसर दीजिए, देखिए। अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है, हो आप शांत रहिए बल्लभ चाचा, देखिए कैसी मीठी नींद आती है। तू रहने दे, हवे सचमुच नींद आ जाएगी। हाँ? मतलब सचमुच नींद आ जाएगी, ये सब मत कर तू। उसका कब फेल नहीं होता। जी का चेहरा देखने से हमका कोनो नहीं रोक सकता। ब्रश लेकर जा ले। वो मैं गलती से पांडे जी का चंपी का तेल लेकर आई, उन्हें देकर आती हूँ। आपका बुरुस ये आप भूल गई थी। ये आपका चंपी का तेल। क्या बात है, हाँ दोनों कितना अच्छा एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो, है कि नहीं? बस हमरे मजनू और हमरी ललिता की जोड़ी को किसी की नजर नहीं लगी, ऐसे ही जिंदगी भर एक दूसरे का ख्याल रखना। हम अभी आए। अम्मा, अम्मा, अब ये हमका लाभ काहे कर दिए हो? अरे हमका का पगलायत समझे हो? ये जो बार बार एक दूसरे से मिलने का बहाना बना रहे हो ना, हम सब समझते हैं। तो रह लो तो एक दूसरे के साथ, हम कहीं और सो जाएंगे। अखिलेश तुम भी ना, क्या जरूरत थी तुम्हें ये ब्रश लाने की? अरे एक दिन ब्रश नहीं कर लेती तो दांत गिर नहीं जाते ना मेरे? पता नहीं हमेशा ये अच्छाई का पुतला क्यों बने रहते हो तुम। अब पता नहीं पुष्पांडी क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। वैसे भी उन्होंने हमें ये ललिता लैला मजनू का टाइटल दे दिया है। कानों में गदर की बात सुनावानी, तैनू हसदा वेख के जगनू मैं पुल जावानी, दस दे कितना गल तैनू समझावानी, अब तू छड़ दे उन्हों जो है तेरे ना, नखरे क्यों कर दिया मैनू जचदा नहीं, कितना सवाल कर दिया।
अखिलेश क्या मैं यहाँ पे तुम्हें डांट रही हूँ और तुम मुझे दांत दिखा रहे हो? क्योंकि अब हम चैन से सो पाएंगे, वरना आपका चेहरा देखे बगैर हमका नींद कहाँ आती है। हमारा मतलब है कि आपकी डांट खाने की आदत है ना हमका, अब आपकी डांट खा ली तो आप हमका चैन की नींद आएगी। चलो अब चुपचाप सो जाओ, वरना डांट की जगह ना हाथ भी पड़ेंगे। पहले पता होता कि प्यार में इतना रस है तो हम बहुत पहले कर लेते, लेकिन शायद बजरंगबली ने हमारे प्यार को ईरा जी के लिए ही संभाल कर रखा है। I'll kill you. Bang, wang, 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 BP. What the hell is wrong with you? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आए, सोचा आज तुमको मार के गिराए दे। What? अरे काहे गुल्लू के बाप के पीछे पड़ी हो अपने सपने में भी डायन कहीं की? Listen, वो मेरा सपना है और मेरे सपने पे मेरा हक है, ओके? और तुम क्या मुझे अपने सपनों में भी अब हॉल्ट करोगी? अब जासूसी, तुम मेरे सपनों की जासूसी क्यों करोगी? कौन होती हो तुम? हम काहे करेंगे जासूसी तुम्हारी? हाँ, हम तो केवल यहाँ सोने आए हैं देवीना। Get out, just get out of my room. ये मेरा कमरा है, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई है, मेरे कमरे में तुम क्यों सोगी? काहे कि गुल्लू के कमरे में दुल्हन के बापू सोए और हमारे कमरे में गुल्लू और दुल्हन। ये बात खोपड़िया में फिट हो गई, अब तनिक खिसक जा। किसको किसको किसको? अरे किसको? अरे सोना है हमका? अरे किसको? अरे कितनी जगह जिद में? अरे लीव माय नाइटी। अच्छा 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 अच्छा। अरे बाप रे, दिस इज नॉट अ मैप। अरे स्टॉप पुशिंग मी। की कम चली करो। किसको किसको? अरे जगह तो दो। व्हाट डू यू वांट मी टू डू? मेरी नाइटी तो छोड़ो। माय गॉड, सोने का मन कर रहा है। कौन बाप नहीं ये लो अखिलेश कहाँ चला गया? जरूर ईरा से मिलने गया होगा। अगर उसको ये नहीं पता है कि मैं भी ईरा का बाप हूं, बाप वो भी उस मजनू की हड्डियों का चूरा निकालता हूं। मेरी आवाज नहीं थी। And stop hitting me. तो फिर किसकी थी? मुझे क्या पता? Let's go and check. Take that. Take that. Let's go and check. अरे
अरे मर गया रे, अरे मर गया, अरे ये तो समधी जी है। अरे अरे समधी जी, इतनी रात गई है, कहाँ भटक रहे? पहले से आपके पैर में मोच है। ये बाबा वो गो अभी ना पहले किनका उठाने में मदद तो करो हमरी। No way. Stop screaming, hold your horses. Horses? घोड़े। इसमें घोड़े किधर से आ गए? हमको नहीं पता। दबीना चलो विनती कर रहे हैं ना, तुम हमें बहन जैसे हो, तेरे को उठाने में fine, 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 relax. लेकिन एक शर्त पर कि तुम रात को सोगी, चुपचाप मुझे सोने दोगी, आवाज नहीं करोगी। हाँ ठीक है। Oh God. देखो देखो, तुम्हारी मदद मैंने कर दी। चुपचाप मेरे कमरे में आना, क्वाइटली सो जाना। ये सोमदान जी आपके साथ में सो रही है, मगर ये तो हीरावती के साथ में सोने वाली थी ना। Listen, I'm not answerable to you. Don't ask me the stupid questions. Ask her. ये क्या बोली? My God, bloody gosh. कहे ना समधी जी, वो हमारा दो हंसों का जोड़ा जो है ना, वो एक दूसरे से ऐसे चुंबक की तरह चिपकता है ना। हा? एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढ रहा था। हा? तो हम सोचे, अच्छा ही सोचे, एक ही उन दोनों को एक ही कमरे में सुलाए दे। आप आराम कीजिए, इधर मत भटकिए। ओखिलेश, अब इस अखिलेश और ईरा को दूर करने का कोई रास्ता सोचना ही होगा। अब ये वल्लभ देसाई ऐसी चाल चलेगा कि वो कमीना अखिलेश हमेशा हमेशा के लिए मेरी ईरा से दूर हो जाएगा। ए गुल्लू, नीचे आ जाओ बिटवा, नाश्ता लगाया है। प्रणाम अम्मा। अरे अम्मा, मैं कुर्सी खींच लेता ना खुद ही। शुक्रिया, तू बैठ ना, बैठ इधर बैठ। आज तो चार चार प्लेट में खुद ही लेके आ गया हूँ। कल बेचारे बच्चों को एक ही प्लेट में खाना पड़ा था, है ना अखिलेश? ठीक है, कोनो जरूरत नहीं है समधी जी, कहे कि आज पहले हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। समधी जी, आपके लिए ढोकला बनाए हैं, खा लेना। हाँ पापा, अभी आपका पैर कैसा है? नहीं, अभी भी थोड़ा दर्द है पैर में, लगता है एक दो दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा। अरे मतलब चाचा, आप जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता, आप इत्मीनान से यहाँ रहिए। आप एक मिनट। बस बस बस, एक और लीजिए। जलेबी भी खाइए, ये लीजिए। वो मीठी चटनी तो हम भूल ही गए, हम अबू लेकर आते हैं। अरे हम मीठी चटनी का बहाना करके आए, कहाँ हुआ? डॉक्टर प्रधान का कॉल था, उन्होंने तुम्हारी रिवर्सल की डेट फिक्स कर दी है। 30 जून कुआलालंपुर में, मलेशिया। 30 जून? हाँ। हीरा जी, 30 जून को तो केवल 5 दिन बाकी है। हाँ अखिलेश, जिस दिन का हमें इतने महीनों से इंतजार था, वो दिन फाइनली आ गया है। अब 5 दिनों में, 5 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे अखिलेश। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ठीक हो जाएगी अखिलेश, मैं तो बहुत 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 खुश हूँ।
ये मीठी चटनी लाने गया है कि ईरा के साथ मीठी मीठी बातें करने गया है? किलेश,